लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। मिशन मोदी अगेन पीएम के काशी प्रांत अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद में हुई 6 वर्ष की मासूम से दरिंदगी मामले में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर जाकर बच्ची का हाल जाना गया, जहां उन्होंने बच्ची के परिजनों का सहयोग करने सहित दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर कार्रवाई की मांग की। उसके उपरांत जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। अर्पित सिंह, काशी प्रांत महामंत्री, युवा मोर्चा, मिशन मोदी पीएम। आज हमने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला दान किया यहाँ पे। कारण क्या था पुतला? कारण यह है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी के क्षेत्र में, उनके सांसदीय क्षेत्र में एक मुसलमान लड़की, वो भी तो हमारी देश की बच्ची है, उसके साथ गलत चीज हुआ। वो पीड़ित परिवार को मिलने नहीं गए। बनारस में बीएचयू में पीड़ित लड़की भर्ती की थी, आज हम लोग वहाँ जाके मिले। मिशन मोदी काशी प्रांत अध्यक्ष दिग्विजय, आज क्या कार्यक्रम किया? आज हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन किए और हाथरस कांड में उन्हें दिखाई दिया एक पीड़िता का, लेकिन आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पीड़िता का उनको दर्द नहीं दिखाई दिया। सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए हाथरस हो जा रहे हैं क्या? आजमगढ़ में एक मासूम बच्ची की जिंदगी नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए उस जिंदगी से खिलवाड़ किया गया क्या? यहाँ एक सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात नहीं की गई है? ये एक राजनीति करना, ये बंद करें और लोगों के साथ दिल से जुड़े। ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को बहिष्कार किया जाना चाहिए और उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप अखिलेश और राहुल का दोनों का पुतला फूंके हैं, हाँ क्या कहेंगे? अखिलेश जी का भी पुतला फूंके हैं। अखिलेश जी को ये कहना चाहिए कि क्या एक आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को बहुत ही आप वो करते हैं, या हिंदू मुस्लिम सब कुछ कह के चलते हैं, मायनोरिटी करके चलते हैं, क्या एक मुसलमान बच्ची का रेप हुआ तो आपको दिखाई नहीं दिया? आपका सांसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, आपका सांसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, आपने हाथ नीचे करिए बहन जी। हाँ, आप करिए अपना परिचय। मैं विकास सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी से। आज देश भैया, आज आपने क्यों पुतला दहन? आज हम आए थे, किसका पुतला? आज हम आए थे, एक 6 साल की बच्ची जो है आजमगढ़ की रहने वाली है, मुसलमान की बच्ची है, और उसके 6 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदा जो 22 साल का था, मुसलमान लड़का था, उसने बलात्कार किया। उसके परिवार से मिलने आए थे और आप बीएचयू में गए और परिवार से हम लोगों ने मिला, हर संभव मदद करने का बात कही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, एक लड़की का वहाँ पे हाथरस में एक कांड हुआ है, उसको लोग जातिवाद बता रहे हैं, जातिवाद की राजनीति बात है, उसको बता रहे हैं दलित की बेटी है। क्या ये बच्ची नहीं है? बेटी कोई, बेटी की कोई जात नहीं होती है, उसको जातिवाद में बांट करके जात की राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही गलत है और ये बहुत ही निंदनीय है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ चंदा देते हैं, वहाँ 10 लाख रुपया देने की बात आती है, मीडिया के माध्यम से 25 लाख देने की बात आती है। एक गरीब परिवार यहाँ पे है, यहाँ कोई झांकने तक नहीं आया, क्यों? और आप बात करते हैं।